हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज थी रामनवमी, सो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी। लेकिन मैं ब्लॉग जो है रात को स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली गाइज, हम लोग ना रात को रामलीला देखने जाते हैं, मेला लगा हुआ हमारे यहाँ पे, मेला टाइप होता है, झूले वगैरह लगे होते हैं सेक्टर 10 में। तो हम 2 दिन से तो जा रहे हैं, बट आज मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वैसे बहुत क्राउड होता है। लेकिन आज ये कि नवरात्रि वगैरह थोड़े खत्म हो गए हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे ना डेकोरेशन के आइटम बड़े प्यारे प्यारे मिलते हैं, तो देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो लेके आएंगे अपने लिए भी, और जो भी होगा जैसा भी होगा सब दिखाऊंगी मैं आपको वहाँ जाके। सो बस ये कि थोड़ा क्राउड कम मिले इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। अभी टाइम 8:50 हो रहे हैं, वरना हम 10 बजे जाते थे रात को। सो बस फटाफट चलते हैं। उसके बाद भाई तो जिम है, तो वो शायद वहीं से आएगा अगर आया तो। बाकी मैं, मम्मा और पापा जा रहे हैं, और आने के बाद व्लॉग पूरा देखना, फिर बताऊंगी क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं। चलो, लेट्स गो। पूरा 9 बजे भी मेला है, पहुंच चुके हैं हम लोग मेले में। और गाइस, क्राउड देखो आप लोग कितना हो रहा है, और इस बार तो हम जल्दी आ गए, 9:30 हो रहा है। अंदर चलते हैं, शोर आएगा इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन मैं जो दिखा सकती हूँ वो पक्का दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, देखो कितने बड़े बड़े झूले हैं गाइस, बहुत डर लगता है। मतलब डर लगता है, बट ये है कि मैं झूल लेती हूँ, लेकिन मम्मा को जितना मर्जी फोर्स कर लो, नहीं मैं नहीं झूल सकती। पापा और मैं डर डर के बैठ भी जाते हैं। देखते हैं गाइस, देखो भीड़, देखो मेला ऐसा लगा हुआ बिल्कुल, बाहर भी अंदर लोग कम है, इतने बाहर ज़्यादा हो रहे हैं। चलो, और वैसे भी आज रामनवमी है, कल दशहरा, और वो तो रावण मेघनाथ वगैरह की वो भी स्टैचू से खड़े हो गए, क्योंकि कल दशहरा है, वो भी दिखाऊंगे अंदर जाके, हमने भी अभी देखा। तो गाइस, एंट्री गेट में खतरनाक भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है आज लास्ट दिन में भी। चलो, मम्मा मेरे पीछे, मम्मा और मुझे तो बस सामान खरीदने की वो रहती है, हाँ ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब तो वैसे भी दिवाली आ गई तो और मजा आ रहा है। देखो अंदर से कितना प्यारा लग रहा है ना, और भीड़ बहुत है। चलो जी, चलो चलो आ गई। तो इस टाइप के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती है, सुंदर सुंदर। और दिवाली में भी दिवाली भी आ रही तो उस और ये तो देख रहे हो ना, वुडन का ये हम लोग देख रहे हैं, इसी की तलाश में हम लोग फिर से आएंगे। एक तो हम लोग ले रहे थे, बहुत प्यारे हैं, वॉल में लगाने वाले छोटे लेते हैं, छोटे वाले बैम्बू। देखो क्रॉकरी के आइटम्स, इनमें भी सेल लगी है, बहुत सुंदर सुंदर है। ले लो ये वाले, सेम ले लो, सेम 4 चौड़ी प्लेटें भी हैं। इसका आइटम हमने ले लिया, सेकंड आइटम हमारे वो रहे, ये शाम का लेना है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, फोन बचा बचा के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। चलो पहुँच गए, बड़ा यहाँ पे हो जाएगा इस राम हम लोग खाली है, वैसे तो आगे हम लोग यहीं बैठ के लेते हैं, खड़े होकर, सॉरी। और देखो मेरे रावण मेघनाथ सब चारों यहाँ पे, लेकिन चौथा याद नहीं आ रहा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। गाइस देखो कितनी प्यारी प्यारी है, हम लोग देख के आ गए रामलीला, डेकोरेशन आइटम। बस अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक चीज वो हमने लेनी है खाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से तुम्हारा फास्ट था। आप लोग साथ साथ में देखते भी जाओ और सुनते भी जाओ। ये चीज हम लोग खाने आए थे, इसको हम लोग मिस कर रहे हैं। हम दोनों की बहुत टेस्ट लगता है, कल से हम ललचा रहे थे, कल हमारा फास्ट था क्योंकि। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग
पूरा घूम घाम के सामान लेके और अपनी फेवरेट चीज खा लिया। झूलों में इतनी भीड़ है कि बस पूछो मत। हम लोगों ने कल झूला था, आज बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब लाइन के लिए तुम्हें एटलीस्ट 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा और टाइम 11 बज चुके हैं और इससे आगे कल हमारा कहीं जाने का प्लान है तो मैं आपको घर पहुँच के मिलता बताती हूँ, ठीक है। बस हमारी आइसक्रीम, अब होता है हमारा मेले का दी एंड और बस कल दशहरा है, कल नहीं आ पाएंगे हम लोग। कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ में अच्छा कर रहा हूँ, घर रहो और इन्जॉय करो। और कल अगर हम लोग निकल पाए कहीं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और टाइम 11:30 हो गए हैं, पूरे 12 बजने वाले हैं। भाई भी अपने दोस्तों के साथ गया हुआ, वो वहीं पे मेले में ही। सो गाइस मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जाएंगे तो पापा ने मतलब अचानक से बन जाता है ये प्लान, वैसे भी अचानक ही बनने चाहिए। सो हम लोग जा रहे हैं गाइस बांके बिहारी जी वृंदावन में, तो पापा कह रहे हैं सुबह 4 बजे निकलेंगे, तो वैसे यहाँ से 2.5 घंटे इतने ही लगते, ज़्यादा दूर नहीं है। सो बस यही बताना था और बस अब अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर 3 बजे फिर उठना पड़ेगा, 4 बजे एग्जैक्ट निकल जाएंगे हम लोग। चलो बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सीधा सुबह उठ के, ठीक है। सुबह क्या हमारी तो आधी रात ही हो रही होगी। गाइस सोने से पहले हम सोचे थे ये लेके आए हैं, इनको लगा देते हैं यहाँ नीचे के लिए, ऊपर हमने लगा रखा है ये ऐसा लगेगा, इसके ऊपर फ्लावर, मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। गाइस देखो लगा दिया हमने यहाँ पे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ब्यूटीफुल। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक हमने ऊपर भी लगा रखा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर जाके। चलो सुंदर लग रहा है ना गाइस, मुझे बड़ा मजा आता है घर में ना न्यू चीजें लाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। डेकोरेशन करना बहुत पसंद है मेरे को, बहुत, और यूनिक चीजों की सबसे ज्यादा। और ऊपर से दिवाली भी आ रही है इसलिए हम लोग थोड़ा सोचा हमने ले आते हैं। बाकी प्लान बन रहा है कि शायद बंजारा मार्केट भी जाएं एक दिन हम लोग, वहाँ पे बड़ी प्यार प्यारी चीजें लेके आए थे हम, दिखाया था ना मैंने आपको। चलो देखते हैं ऐसा होता है, बता देंगे आप लोगों को और आप सीधा मिलेंगे आपको सुबह, ठीक है, 3 बजे उठ के जब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बाय बाय गुड नाइट। सो गाइस फाइनली सुबह के 5 बज चुके हैं, 4 बजे एग्जैक्ट उठ गई थी, बिल्कुल नींद निकली, 2 बजे तो मैं सोई थी, लेट हो गए थे हम लोग सोते सोते। सो अब फटाफट हम लोग निकल रहे, रेडी हो गए हैं सारे, भाई नहीं जा रहे, मम्मा और पापा नीचे चलते। जय श्री कृष्णा। गाइस हम लोग आए हैं गुड़गांव वाले रास्ते से, अब यहाँ पे ये फूड कोर्ट मिला है हाईवे के पास, ये वही है मुंबई एक्सप्रेस। सो टाइम हो गया 7:30, फटाफट थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं एंड फिर निकलते हैं, अब 40 मिनट रह गया बस रास्ता। चलो सो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन और टाइम हो गया 9:10। हमारे साथ में प्रैंक हो गया गाइस बहुत बड़ा, मैंने अभी आपको दिखाया ना इससे पहले कि हम लोग खाने के लिए रुके, वहाँ कुछ नहीं खाने को, वो मुंबई वाला एक्सप्रेस वे था तो वहाँ पे क्या हुआ, पापा ने पता नहीं कौन सा रूट डाल रखा गूगल में, तो हमने वो नहीं है नू जगह जहाँ पे अभी दंगे वगैरह भी होते, तो वो क्रॉस कर लिया। मुझे ऐसे आहट हुई, मैंने कहा पापा 20 किलोमीटर रह गया है अभी तक, वृंदावन का बोर्ड तो आना चाहिए था, चेक करो पता नहीं कौन सी लोकेशन, 2 घंटे और फिर आगे आए हम लोग, 90 किलोमीटर वृंदावन था पता है वहाँ से। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं अब हम लोग, पार्क कर दिया हमने गाड़ी, यहाँ से बस पैदल ही जाएंगे अब, सबसे बेस्ट होता है गाड़ी पार्क करके आराम से रिक्शे में जाओ कम्फर्टेबल। पहुँच गए गाइस हम लोग रिक्शे से, यहाँ पर उतर गए, अब यहाँ से अंदर जाना है बाकी चीज़ें, लेट्स गो। बाहर तो भीड़ कम लग रही है, अब अंदर जाके पता चलेगा भीड़ है या नहीं। गाइस अब अंदर आके तो भीड़ दिख रही है बहुत ही ज़्यादा, अब मंदिर का क्या हाल है वो अंदर जाके पता चलेगा। हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे, मम्मा मैं आगे पापा, कल राम नवमी थी ना तो उसके लिए यहाँ पे जागरण वगैरह हुआ होगा। सो
सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था तो उसके भाई वगैरह थे, तो आज इस बार सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ एकदम सामने से हम लोगों ने देखा, वरना भीड़ में हम पहुँच ही नहीं पाते, सबके हो गए और प्रसाद भी मिल गया हमें। सो थैंक यू दिवेश गौर जी, आ जाओ गाइज। अब हम लोग आ गए राधा वल्लभ जी, गाइज अब दर्शन करके हम लोग आ गए। ये मेरी आलू टिक्की, मम्मा ने ढोकला। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, मैं एक अकेले रिक्शे में, मम्मा पापा पीछे आ रहे हैं दोनों, चलो पहुंच के मिलते हैं। गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल, यहाँ की तो वाइब भी अलग होती है। ये देखो जी खूबसूरती, पिछली बार तो गाइस इतनी बारिश थी कि मतलब खड़ा होना मुश्किल हो गया था बाहर, और इस बार भीड़ भी ज़्यादा हो रही है। गाइस अब हम लोग करने जा रहे हैं लंच, पूरा परिक्रमा मार्ग हम वॉक करते करते प्रेम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये बंद है अभी, ये 4 बजे खुलेगा सुबह, और सॉरी शाम को, नींद आ रही है। तो चलो लंच करते हैं फिर वहाँ बैठ के मिलते हैं आप लोगों से। जीरा प्रेम मंदिर फिलहाल बंद है, सो आगे क्या प्रस्थान करते हैं। गाइस खा पी लिया सारा और नींद लगी है सबको, और आगे माइंड लस्सी लास्ट पेट फुल हो गया एकदम, और देखो वहाँ पर नींद भरी हुई है बहुत तगड़ी। अब शायद वापस ही निकलना है, हाँ एक शायद वैष्णो देवी मंदिर है यहाँ पे बहुत प्यारा, जो बड़ी सी मूर्ति है ना यहाँ पे माता जी की, सो वहाँ जाएंगे। और प्रेम मंदिर तो बंद है अभी, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो शाम को 4 बजे खुलेगा। सो देखते जैसा ऐसा होगा मैं आपको बता दूँगी। हम लोग माँ वैष्णो देवी धाम आए थे लेकिन पता चला ये भी 4 बजे खुलेगा, बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर माता जी की, दिखाती हूँ आपको, वो देखो सामने से है ना, शिव माता जी, और बहुत अंदर से सजा हुआ पता, क्योंकि नवरात्र तो थे ही। सो अब हम सोच रहे हैं घर निकले या फिर यमुना घाट जाएं, कहाँ जाएं कोई आइडिया नहीं, क्योंकि कल ऑफिस भी है, यहाँ पे गूगल में सर्च होता हुआ। चलो अब यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, अब सारे मंदिर 4 बजे खुलेंगे अप्रॉक्सीमेट, मेन तो हम हुआ है। गाइस मंदिर तो खुलने वाला है बस आधा घंटा और, ये देखो ये जो कैसे करतब दिखा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं उनकी, ओ भाई साहब। 2 घंटे के स्ट्रगल के बाद हम लोग फाइनली 4 बजे गेट खुले, और बहुत ही प्यारा, फर्स्ट टाइम आए वरना बाहर से दर्शन करते थे, इस बार माता रानी ने बोला वेट करो और मेरे दर्शन करके जाना, बहुत सुंदर सजा हुआ नवरात्रों में, लेडीज की तो हो गई। देख ऐसे गुफा से देखो एंट्री है, और सामने हमारी माता रानी बहुत ही खूबसूरत, और ऐसे पूरा राउंड करके वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। चलो चलते हैं आगे से पूरा दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। ये देखो जी अब हम गुफा में नीचे जाते हैं, वाह ये है यमुना जी, प्यारा है ना, बहुत सुंदर, ये पूरी चारों तरफ गुफा है, हम गुफा के अंदर आ गए। ये यमुना मैया जी, ये देखो पूरी गुफा खूबसूरत गुफा है, मंदिर यहाँ पे नीचे फटाफट होके आते हैं अंदर, क्योंकि शायद फोन अलाउड ना होना है ना, अगर होगा तो दिखा दूंगी, नहीं तो फटाफट दर्शन करके आता हूँ। गाइस अंदर से बहुत प्रीटी है, बहुत खूबसूरत, और ऊपर से नवरात्रों में डेकोरेट हो रखा है तो बहुत सुंदर लग रहा है। जय माता, ये जय माता। अंदर से बाहर आ गए और ये है गंगा जी, वो थी यमुना जी, ये गैलरी है मतलब यहाँ पे कैसे कैसे ये मंदिर बना था उस टाइप से, भूमि पूजन जब हुआ था इसका उस हिसाब से, डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी मूर्ति जब बनी थी ना, और जब हनुमान जी की मूर्ति, तो कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था उस हिसाब से पूरा सीक्वेंस। जय माता दी, गुफा में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गुफा जैसा ही है, मज़ा आएगा अंदर दर्शन होंगे, ऐसे लगे वैष्णो देवी की है ना।
क्या डर है, मम्मा को तो पहले डर लगता है। अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं गुफा से बाहर निकलते हैं, और ऊपर ही मेरे शेर वाली माता की मूर्ति है, ऐसे इतनी पास इतनी बड़ी लग रही है ना, लिटरली बहुत सुंदर। ये देखो गाइस, मतलब बनावट देखो आप कितनी खूबसूरत है, और सनसेट भी होने वाला है। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। चलो जी, अच्छा हमने 2 आवर्स वेट कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा। श्री भैरव जी की भी मूर्ति बनाई गई है, और देखो सीढ़ियां बनाई है पूरी माता वैष्णो वाली, बहुत ही सुंदर। प्रसाद भी मिल गया, और बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे वैष्णो देवी में मिलता है, यहाँ पे खजाना होता है और यहाँ पे मिश्री, बहुत ही सुंदर। जय माता जी, हमने एग्जिट ले लिया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, मन तृप्त हो गया है। मम्मा मजा आ गया ना, मन तृप्त हो गया, 2 घंटे हमारे सक्सेसफुल हुए, हमने जो 2 घंटे बैठे ना बहुत आनंद आया। हाँ चलो, अब तो भीड़ भी कम हो गई, और वैसे मंदिर बहुत बड़ा है, मंदिर बहुत बड़ा है तो भीड़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रसाद तो मिल गया, अब चलते हैं फटाफट, अब सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग 8 बजे घर पहुंच गए थे, डिनर वगैरह बाहर से ले आए थे और डिनर भी कर लिया हम लोगों ने। अब बहुत ही खतरनाक नींद आ रही है, क्योंकि सुबह हम लोग पता है कितने बजे उठे, सोए कितने बजे थे, 2:30 बजे तो सोई थी मैं, नेल पेंट लगाने लग गई थी रात को। और फिर 4 बजे उठे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, और फिर वही थोड़ा फिर हो जाता है थोड़ा, चाहे पास जानो चाहे दूर जानो, लेकिन दर्शन हमारे बहुत प्यारे हो गए, बहुत ही प्यारे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी, वो भी बार बार देख के बोलेगा थैंक यू मत बोल, सॉरी मत बोल। तो वही मैंने बताया ना कि मतलब जो बांके बिहारी जी, आपने देखा हो कितने क्राउड होता है वहाँ पे, मतलब दूर से दर्शन हो जाए ना, मतलब वही बहुत बड़ा वो होता है। तो 2-3 बार हमारे ऐसे ही हो रहे थे दूर से, मतलब दर्शन पूरे होते थे लेकिन दूर से अच्छे से नहीं हो पाते थे, बट ठीक है दर्शन चाहे कैसे भी हो अच्छे होते हैं। बट इस बार इतने सेटिस्फेक्शन मिले ना, क्योंकि मेरा फ्रेंड था उसके ना, मतलब कजन है वहाँ पे जो पंडित हैं, तो उन मतलब उनसे कांटेक्ट वगैरह किया, तो वो उन्होंने हमें एकदम सामने से दर्शन कराया, चंदन वगैरह फूल प्रसाद जो भोग लगता है कान्हा जी को सब कुछ दिया, और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे, बहुत ही प्यारे। फिर वहाँ से हम राधा वल्लभ जी, वो तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं, वहाँ पे भी एकदम क्लोज से, फिर इस्कॉन टेम्पल, और फिर वैष्णो माता मंदिर, सबसे प्यारा, मजा आ गया वहाँ जाके। मतलब जो हमने 2 घंटे वेट किए ना वहाँ बैठ के बाहर, वो एकदम वर्थ था हमारा। और माता रानी ने बोला था कि हर बार बाहर से चले जाते हो, इस बार दर्शन करके जाना मेरे। सो मतलब बहुत अच्छा हमारा शॉर्ट और प्यारा सा ट्रिप रहा। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हरे कृष्णा, बाय बाय।